What's up students, myself Kushagar and welcome back to your channel Jigyasa Classes. तो आज की वीडियो में भाई हम अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 3 जो कि नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स जो चैप्टर है उस चैप्टर को आज डिस्कस करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि आज ही पूरा चैप्टर खत्म हो जाए क्योंकि ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं. सिग्निफिकेंटली इस चैप्टर में से एज सच कोई क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम में, अगर आया तो एक मार्क्स का आ सकता है, लेकिन इस चैप्टर को तब भी समझना हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि इसी के बेसिस पे, क्योंकि जो पूरी यूनिट है हमारी नेशनल इनकम से रिलेटेड, इसमें ये तीसरा चैप्टर है, तो इस पूरी यूनिट को अगर हमें समझना है जो कि 40 में से 10 नंबर का आपका आ जाता है, तो उस अगर यूनिट को हमें समझना है तो इस चैप्टर को भी समझना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो अब जब ये बात हो गई है तो यार सबसे पहले तो वीडियो को एंड तक देखना, हो सकता है कुछ वैल्यूएबल आपको मिल जाए इस वीडियो में देखने से, एंड लाइक कर देना वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना. तो ये कुछ काम है. अब जब ये काम आप लोगों ने कर दिए हैं, आई होप कर दिए होंगे, तो अब चैप्टर को हम आगे स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना. सो लेट्स बिगिन. तो जैसे कि हमारा चैप्टर कह रहा है नेशनल इनकम एंड देयर रिलेटेड एग्रीगेट्स, तो नेशनल इनकम हमें पता है कि भैया जो हमारे पूरे नेशन की इनकम होती है, लेकिन वो कैलकुलेट कैसे की जाती है उसके तरीके अलग हैं. उसके तरीके समझने के लिए हमें चैप्टर 4 पे जाना पड़ेगा जहाँ पे कि तीन तरीके होते हैं हमें. पहला है वैल्यू एडिशन, फिर है हमारा इनकम मेथड, और फिर आता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड. तो ये कुछ गिने चुने तरीके हैं, ये तीन तरीके हैं हमारे. अब नेशनल इनकम हम जब कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो तुम्हारी कंट्री में अलग अलग तरह की चीज़ें प्रोड्यूस होती है. कहीं पर स्टील प्रोड्यूस हो रहा है, कहीं पर कॉटन प्रोड्यूस हो रहा है, कहीं पर मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, कहीं पर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं. तो हर किसी को अगर हम उनके बेसिक यूनिट्स में टर्म करने जाएं, तो कोई चीज़ किलो में प्रोड्यूस हो रही है, कोई चीज़ क्विंटल में हो रही है, कोई चीज़ टन में हो रही है, कोई चीज़ आपकी लीटर में हो रही है, कोई चीज़ मीटर में हो रही है. तो अलग अलग तरह के डिनोमिनेशंस हैं जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं. अब हमारे पास यहाँ पर इनको कॉमन निकालना तो बड़ा मुश्किल है, इसीलिए हमने क्या किया, हम हर एक प्रोडक्ट को उसकी मॉनेटरी वैल्यू में जज करते हैं. तो वहाँ से हमें कॉमन बेस मिल जाता है सबको मेजर करने का. तो उसके बाद फिर हम कैलकुलेट करते हैं अपने अलग अलग तरीके से जो कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, और इसको और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इनकम निकालने या नेशनल इनकम निकालने के मेथड्स को हम चैप्टर 4 में और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर के लिए सिर्फ एग्रीगेट्स जानते हैं. तो टोटल अगर हम देखें तो टोटल 8 एग्रीगेट्स होते हैं नेशनल इनकम के. तो नेशनल इनकम के अंदर हमारे टोटल 8 एग्रीगेट्स होते हैं. सबसे पहला GDP एट MP विच मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. सेकेंड आता है हमारा GDP एट FC जो कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस है. फिर आता है मेरा GNP एट MP विच इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. फिर आता है मेरा GNP एट FC विच इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. यहाँ पे एट आपको खुद से लगाना पड़ेगा क्योंकि ऐसे में सेंटेंस पूरा कंप्लीट नहीं होगा. फिर जो नेक्स्ट एग्रीगेट है मेरा वो है NDP एट FC विच इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. फिर आता है NDP एट MP विच इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. उसके बाद आता है मेरा एग्रीगेट आता है NNP एट FC विच इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. एंड लास्ट है मेरा NNP एट MP विच इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. तो ये कुछ गिने चुने मेरे 8 एग्रीगेट्स होते हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे कौन कौन से एग्रीगेट्स हैं. हम इन्हीं एग्रीगेट्स को एक्चुअली में नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते हैं. अगर आपको किसी एक एग्रीगेट का पता चल गया तो उसके बाद कुछ चीज़ें चेंज करके, कुछ ट्वीक्स करके आप इजीली बाकी के एग्रीगेट्स भी निकाल सकते हो. अब वो ट्वीक्स क्या होते हैं वो भी ज़रा समझ लेते हैं. तो कुछ गिने चुने ट्वीक्स हैं. अगर आपको ग्रॉस वैल्यू दे रखी है किसी भी चीज़ की और आपको नेट वैल्यू निकालनी है तो आपको डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा. सेम इसका वाइसा वर्सा, अगर आपको नेट वैल्यू दे रखी है, ग्रॉस वैल्यू निकालनी है तो डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा. सिंपल इज दैट. सिमिलरली अगर आपको नेशनल कोई भी नेशनल अमाउंट दे रखा है एंड आपको डोमेस्टिक अमाउंट निकालना है तो आपको NFIA विच इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड उसको माइनस करना पड़ेगा. एंड अगर आपको डोमेस्टिक इनकम की बात करें, फिर डोमेस्टिक आइटम्स दे रखी हैं उसका अमाउंट दे रखा है और आपको नेशनल पे जाना है तो आपको NFIA विच इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड उसको ऐड करना पड़ेगा. तो NFIA निकालने का तरीका हम प्रीवियस चैप्टर में देख चुके हैं. मैं ऊपर आई बटन जहाँ पे भी होगा वहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा, जाके प्रीवियस वीडियो भी देख लेना एक बार. ठीक है,
तो अब आता है हमारा एमपी एंड एफसी के बीच में डिफरेंस, विच इज मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। अगर आपको फैक्टर कॉस्ट दे रखी है एंड आपको मार्केट प्राइस को निकालना है तो सिंपल है, एनआईटी को ऐड कर देना, क्योंकि मार्केट प्राइस जो है वो मेरा बड़ा कंसेप्ट है एंड फैक्टर कॉस्ट मेरा छोटा कंसेप्ट होगा। छोटे से मुझे बड़े कंसेप्ट पे जाना है तो मुझे चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी और यहाँ पे एनआईटी ऐड होगा। ये चीज़ आप बाकी दोनों कंसेप्ट में भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको मार्केट प्राइस दे रखी है ना, आपको फैक्टर कॉस्ट तक आना है, विच मीन्स माइनस करना है। आप बड़े कंसेप्ट पे हो, आपको छोटे कंसेप्ट पे आना है तो आपको माइनस करना पड़ेगा एनआईटी को। सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ याद रखना जब भी ये एग्रीगेट्स को आप सॉल्व कर रहे हो कि बड़ा कंसेप्ट कौन सा है, छोटा कंसेप्ट कौन सा है। अगर आपको बड़े से छोटे पे आना है तो माइनस कर दो, एंड अगर आपको छोटे से बड़े पे जाना है तो ऐड कर दो। ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट या फिर सिंपल सी ट्रिक समझ सकते हो जो मैंने दे दी तुम लोगों को। तो अब जो हमारे गिवन एग्रीगेट्स हैं वो कुछ डोमेस्टिक कंसेप्ट्स एंड कुछ हमारे नेशनल कंसेप्ट्स के अंदर आते हैं। जहाँ पे भी आपको नाम दिखता है कि ये चीज़ उसके नाम में नेशनल आ रहा है, चाहे हम बात करें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी, चाहे हम बात करें नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी, चाहे हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी, या फिर हम बात करें नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी, तो ये चारों कंसेप्ट मेरे नेशनल कंसेप्ट के अंदर आते हैं। एंड अगर हम बात करें अपने डोमेस्टिक कंसेप्ट में तो वहाँ पे आपका डोमेस्टिक वर्ड आ जाएगा। हम देखें तो हमारा एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एमपी, फिर हम देखें जीडीपी एट एमपी एंड जीडीपी एट एफसी। तो ये मेरे डोमेस्टिक एंड मेरे नेशनल कंसेप्ट के बीच में एक डिफरेंस है कि ये कुछ मेरे नेशनल कंसेप्ट है और ये कुछ मेरे डोमेस्टिक कंसेप्ट है। अगर हम यहाँ से देखें तो अगर एक और तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ग्रॉस कंसेप्ट एंड नेट कंसेप्ट कौन कौन से हैं। तो ग्रॉस कंसेप्ट में कौन कौन से आते हैं, आपके जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, जीएनपी एट एमपी एंड जीएनपी एट एफसी सॉरी। तो ये आपके सारे के सारे आपके ग्रॉस कंसेप्ट में आते हैं। एंड अगर अपने नेट कंसेप्ट की देखें तो एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एफसी, एनएनपी एट एमपी एंड एनएनपी एट एफसी, ये चारों चीज़ें आपके नेट कंसेप्ट के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, ये छोटी सी नॉलेज थी जो मेरे को लगा कि शेयर कर देनी चाहिए तो मैंने कर दी भाई। तो बस इस चैप्टर के लिए इतना ही है। ज़्यादा बड़ा मैंने पहले ही कहा था कि ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा ही चैप्टर है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। एंड जरा एक समरी भी देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हमने या फिर आज की क्लास में हमने कौन कौन सी चीज़ों को डिस्कस किया। सबसे पहले तो जो मेन हमने किया वो यहाँ पे यही किया कि कौन कौन से एग्रीगेट्स हैं हमारे। हमने अपने सारे एग्रीगेट जो नेशनल इनकम के होते हैं उनको डिस्कस किया। हमने जो एक छोटा सा ये भी देख लिया कि कौन से नेट कंसेप्ट है, कौन से ग्रॉस कंसेप्ट है, कौन से नेशनल कंसेप्ट है, कौन से डोमेस्टिक कंसेप्ट है, हमने ये भी देख लिया है। एंड तो वीडियो यहीं पे ही ख़त्म होती है। इस चैप्टर के लिए बस इतना ही है, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। अब कुछ को लगेगा कि इसमें तो क्वेश्चंस भी हैं, बुक्स में अगर देखें तो इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने से उतना कुछ मज़ा आएगा नहीं। हम डायरेक्टली जहाँ के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं जो कि मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, इसके बाद वाला जो चैप्टर है उससे एक्चुअल में क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, हम उसी को ही वहीं से ही क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। ठीक है, तो वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे लर्निंग एंड ऑलवेज रिमेंबर गाइज, यू ऑल कैन अचीव एनीथिंग यू वॉन्ट इफ यू पुट योर टाइम एंड एफर्ट टू दैट थिंग ओनली। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, गुड बाय।